सो क्या तुम्हें पता है कि हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में बहुत ही बड़ा चेंजेस आने वाला है हमारे अपकमिंग अपडेट्स में। एंड क्या तुम्हें ये पता है कि हमारे बिल्डर्स को लेके बहुत ही बड़ा चेंज किया हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में, साथ में हमारे लेबोरेटरी, हमारे वॉल्स, हमारे एक एक चीज़ को क्लैश ऑफ क्लैंस में, यहाँ तक टाउन हॉल को भी बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो मैं हूँ आपका होस्ट और एक दोस्त आकाश, एंड वेलकम टू अवर चैनल। और जो भी न्यू जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको ऐसी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यार सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मेन जो गेम में क्या क्या चेंजेस आने वाले। देखो यहाँ पे गेम में बहुत सारी चेंजेस आने वाली है, एंड स्पेशली जो इस बार हमारी गेम को चेंजेस लेके, मतलब जो गेम में हमारे चेंजेस आ रही है वो स्पेशली लोअर टाउन हॉल को लेके देखा गया है। ठीक, तो चलो मैं तुम्हें धीमे धीमे चीज़ें बताता हूँ कि कैसे क्या क्या होने वाले। तो सबसे पहले हम अपने इवेंट में अगर आप जाओगे न्यूज़ सेक्शन में अपने क्लैश ऑफ क्लैंस के, तो यहाँ पर आप अगर रुक जाओ मैं लोड ले लें, तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो पहले देखो यहाँ पर गेम अपडेट्स में देखो कमिंग सून पे कॉस्ट रिडक्शन। ठीक, तो यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर बहुत ही कुछ होने वाला है। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो न्यू अपडेट है, यहाँ पर स्टार्टर चैलेंजेस आने वाले हमारे लोअर टाउन हॉल के लिए। मतलब जो गेम न्यू इंस्टॉल करते हैं तो उनको एक दिक्कत होती है, उनको मतलब गेम में खेलने का मन नहीं करता। तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लोअर टाउन हॉल वाले को ना गेम खेलने का जल्दी मन नहीं करता, जब तक वो अच्छे खासे टाउन हॉल 9-8 ऐसे ग्रो ना कर जाए। ठीक है, तब तक उन्हें गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर COC ने इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ले आया है टाउन हॉल 2-6 के लिए एक स्टार्टर चैलेंज होगा। जैसे हमारा सीजन चैलेंज चलता है वैसे उन लोग के लिए टाउन हॉल 2-6 तक के लिए एक स्टार्टर चैलेंज होने वाला है। जैसे कि हमारा गोल्ड पास वाला वो चलता है सिल्वर एंड गोल्ड पास वाला, वैसे एकदम होने वाला है उन लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर उस चीज़ में मैं देखो कुछ इस तरीके की इमेज है यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसा हमें अपने सीजन चैलेंज में हीरोज़ की स्किन मिलती है, लेकिन लोअर टाउन हॉल पे तो हीरोज़ अनलॉक होंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर उन लोगों को बुक ऑफ बिल्डिंग, रून ऑफ गोल्ड, ये सब देखो लास्ट में बुक ऑफ बिल्डिंग उन लोगों को देखने को मिलेंगे, एंड उससे बहुत ही हेल्प होगा उन लोगों को जल्दी जल्दी अपडेट करने में। ठीक, एंड यहाँ पर एक बात कर रहे थे कॉस्ट रिडक्शन की, तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है? देखो यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन मतलब बहुत ही, जैसे भी हमारा हैमर जैम चल रहा था तुम्हें पता होगा बहुत सारी चीज़ हाफ ऑफ प्राइस पे हो गई है, बट ये क्या है हमारा परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन होने वाला है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में। यानी कि यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है अपने क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम। देखो यहाँ पर रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर आइस गोलम जो कि 360 सेकंड में ट्रेन होने वाला है वो 300 सेकंड में ट्रेन हो जाएगा, विच 360 सेकंड में जो ट्रेन होती है वो 240 सेकंड में ट्रेन हो जाएगा, एंड सुपर विच जो है जो कि 1200 सेकंड लेती है ट्रेन होने में वो 800 सेकंड में जस्ट ट्रेन हो जाएगा। यहाँ पर वॉल कॉस्ट रिडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल 12 के वॉल जो अपग्रेड होने में 3 मिलियन गोल्ड या एलेक्सर लगाते थे वो सिर्फ अब 2 मिलियन गोल्ड और एलेक्सर में हो जाएंगे, एंड जो लेवल 13 के वॉल्स अपग्रेड के लिए हमें 5 मिलियन गोल्ड या एलेक्सर लगते थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन गोल्ड या एलेक्सर में हमें हो जाएगा। ठीक है, एंड लो मिड टाउन हॉल लेवल कॉस्ट भी यहाँ पर है, यानी कि लो मिड टाउन हॉल लेवल जो हम लोग टाउन हॉल 2 से टाउन हॉल 11 तक जो हम अपडेट करते हैं उसमें हमें बहुत बड़ा मतलब ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में जो भी अपकमिंग अपडेट होंगे। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा जो लोअर प्लेयर्स हैं उन्हें टाउन हॉल अपग्रेड करने में। ठीक, यहाँ पर और भी ऐसी ही कुछ चीज़ें दिखी गई, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाउन हॉल कौन से टाउन हॉल में कितना गोल्ड एंड कितना एलेक्सर रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस इमेज पे देखने को मिलेगा, एंड द सेकंड इमेज भी वैसी है तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। मैं इसे समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। सर्वल कॉस्ट एंड टाइमर रिड्यूशन भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि कॉस्ट टू सर्च हमारा जो टाउन हॉल 8-1 से 8 तक में अगर हम जब अटैक सर्च करते थे तो यहाँ पर उसका भी हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, बारबेरियन का कॉस्ट कम हो जाएगा। यहाँ पर आप बाकी देख सकते हो आर्चर का भी हो जाएगा, ट्रेनिंग कॉस्ट मतलब ट्रेनिंग टाइम जो वो कॉस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट मतलब जो हम पैसे ला के जो ट्रेन करते थे वो सब भी जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसे भी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज कर करके। ठीक, तो द सेकंड थिंग इज़ यहाँ पर हमारा 6 आवर पहले, मतलब अगर तुम्हें ये वीडियो आज रात 12 बजे से पहले मिल जाए तो यहाँ पर मेरे देखो यहाँ पे गेम में अपडेट आया है बैटल बिल्डर। तो ये बैटल बिल्डर क्या है मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे क्लैश ऑफ क्लैंस को फॉलो करते हो तो आपको ये पता चल गया होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ, मैं बैठा हूँ ना तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा इंट्रोड्यूसिंग डिफेंसिव बिल्डर सर्च। तो यहाँ पर अभी क्या करने वाले तुम्हें मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जब हम टाउन हॉल 14 अपना अपग्रेड कर लेंगे तो हमें एक फीचर मिलेगा कि हम अपने बिल्डर हट को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक, एंड इस पर जब हम इसको अपडेट करेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि टाइम लेगा, मतलब
तो मैं चलो इजी भाषा में समझाता हूँ। यहाँ देखो इस इमेज को देखो, यहाँ पर देखो इस बिल्डर हट के टोटल 3 लेवल होने वाले, ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक, इसका कॉस्ट जो है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आप ग्रेट टाइम एंड कॉस्ट ये वाली इमेज पे आप देख सकते हो। एंड इससे रिलेटेड एक आपको यहाँ पर वो इवेंट अचीवमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आपको 25 हर्ट डिस्ट्रॉय करते हो तो आपको 10 जेम मिलेंगे, 250 हर्ट डिस्ट्रॉय करते हो तो आपको 30 जेम मिलेंगे, एंड 2500 हर्ट डिस्ट्रॉय करोगे तो आपको 100 जेम मिलेंगे। तो ये आपका एक न्यू अचीवमेंट आ गया क्लैश ऑफ क्लैन में, तो ठीक ठाक है। एंड इसकी बात कर इसके बाद मैं आपको बात कर लेते हैं इसके रेंज की कि ये कितने दूर तक मारेगा। चलो पहले इस रेंज की बात करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये करेगा क्या। तो एक छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर अगर साइड में स्क्रीन पर प्ले हो गई होगी तो देखना यहाँ पर ये क्या सीन है ना, कि जब आप के ऊपर अटैक होगा, आपके बेस पर अटैक होगा, तो आपके अगर बिल्डर के जहाँ 6 टाइल्स तक इसका जो रेंज है उतने में अटैक होगा, तो इस बिल्डर के ऊपर से एक्सबो टाइप का चीज़ निकलेगा, बहुत ही छोटा मतलब मिनी एक्सबो मान के चलो वैसा निकलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये एक बार एक एक शॉट करके मारेगा एंड एक सिंगल टारगेट को ही वो करेगा मतलब पकड़ेगा एंड एक एक शॉट करके मारेगा। और जब जो इसके अंदर के बिल्डर्स हैं वो निकल के इसके एरिया में मतलब इसके रेंज में जितने भी सारे बिल्डिंग्स होंगे जो कि डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे उन सबको जाके हील करेगा, मतलब अपना हथौड़ा मारेगा एंड हील होता रहेगा बिल्डिंग। मतलब इसकी बिल्डिंग की लेवल क्या है, बहुत कम धीमे धीमे हील होगा, मतलब बहुत धीमे धीमे। मान लो अगर आपको 100% का डैमेज देखने को मिलेगा किसी बिल्डिंग पे, अगर मान लो आपका बलून 100 डैमेज दे रहा है किसी बिल्डिंग पे, तो ये बिल्डर जब हथौड़ा मारेगा तो मुश्किल से 10% उसका हील होगा, ठीक है, 10 डैमेज उसका भरेगा, ठीक है। इस हिसाब से बस हमें क्या है यहाँ पे जो टाइम है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब अटैक के टाइम को बढ़ाने के लिए ये ऐसे कर रहे हैं सीओसी वाले। इसका फेवरेट टारगेट देख लो एनी है, टारगेट जो है वो एयर एंड ग्राउंड दोनों पे करेगा, डैमेज टाइप सिंगल टारगेट मतलब ये सिंगल मारेगा जैसे कि तुम्हें मैंने बताया, एंड रेंज इसकी 6 टाइल से यही है। एंड बिल्डर अपडेट होने का यहाँ पर आप देख लो, लेवल 2 से लेवल 4 तक जाने में इतना टाइम इसे लगेगा, इतने गोल्ड इतने हिट पॉइंट इसे मिलेंगे। देखो रिपेयर पर सेकंड यहाँ पे लिखा है, डैमेज पर सेकंड लिखा है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। तो ये आने वाला है, अब देखो मुझे पता नहीं कि ये कैसा इवेंट है, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्लैश ऑफ क्लैन वाले करना चाहते थे। बाकी तुम्हें बताना कि तुम्हें ये बिल्डर अपग्रेडिंग वाला फीचर कैसे लगा। वैसे तो जो लोअर टाउन हॉल के जो टाउन हॉल 14 नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी जो टाउन हॉल 13 के नहीं है, तो उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाउन हॉल 14 पे जाके ये खुलने वाला है। तो मेरा मतलब मैं भी अभी मैक्स करूँगा अपना बेस, तभी देखता हूँ उसके बाद ही करूँगा टाउन हॉल 14। तो मेरे लिए भी उतना कुछ काम का है नहीं ये फीचर। खैर तुम लोग बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ऐसी आपको इंटरेस्टिंग एंड रिलेटिव वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, चलो बाय बाय।